नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार केयर हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध हरियाणा देशराज आईपीएस झज्जर पहुंचे। झज्जर पहुंचने पर डीआईजी अशोक कुमार आईपीएस द्वारा उनकी अगुवाई की गई। झज्जर पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरियाणा देशराज ने जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला उपायुक्त महोदय जितेंद्र कुमार, डीआईजी एवं एसपी अशोक कुमार, डीएसपी मुख्यालय झज्जर रणवीर सिंह, डीएसपी सिटी झज्जर शमशेर सिंह व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झज्जर जिला में लॉकडाउन तथा वे नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जायजा लिया गया। बैठक में उन्होंने लॉकडाउन के संबंध में सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने व खाद्यान्न सहित अन्य नागरिक सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के पश्चात एडीजीपी देशराज ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति सावधान रहने तथा एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। स्थानीय पुलिस द्वारा किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करके नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा अनेक वाहनों को नागरिकों की सुविधाओं के मद्देनजर पास जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिहाड़ीदार मजदूरों व अन्य जरूरतमंद लोगों को जिन्हें राशन खरीदने में परेशानी है, उन्हें खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आम जन को खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्थानीय पुलिस के द्वारा नाकों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। यदि कोई वाहन चालक नियमों की अवहेलना करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी का अधिक से अधिक राशि का चालान किया जाएगा। एडीजीपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने घरों में रहें।